गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस वीडियो इज होली स्पेशल। होली आने वाली है तो हमारी स्किन एंड हेयर दोनों का बैंड बजने वाला है। सो मैं लेके आई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए जो आप होली में फॉलो कर सकते हैं टू टेक सम एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर। सो बिना ज्यादा बातें किए हुए लेट्स गेट इन टू द वीडियो। रंगों में ओत बोत होने से पहले आप कोकोनट ऑयल जरूर लगाएं अपने फेस पे एंड अपने पूरे बॉडी पे, स्पेशली जो एरियाज आपके एक्सपोज्ड हैं, आप अच्छे से भर के कोकोनट ऑयल लगाएं। बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमारी स्किन डल लगेगी कोकोनट ऑयल लगाने के बाद। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बिकॉज आप उसके बाद रंग में भरने वाले हैं तो आपकी स्किन दिखेगी ही नहीं। सो कोकोनट ऑयल इज मस्ट टू प्रिवेंट योर स्किन फ्रॉम ऑल दैट कलर्स, वो कलर आपके स्किन में डीपली पेनिट्रेट ना हो पाए। सो कोकोनट ऑयल को अच्छे से अपने पूरे बॉडी पे फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। अगर आपके कानों में पानी भर जाते हैं तो अपने दोनों कानों में कॉटन बॉल्स लगा लें सो दैट पानी एंड रंग दोनों ही अंदर ना जा पाए। अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग कर ले कोकोनट ऑयल से या कोई भी ऑयल जो आप यूज करते हो फ्रॉम रूट्स टू टिप्स। इससे आपके बाल प्रिवेंट होंगे फ्रॉम ऑल दैट कलर्स जो आपके बालों में जाने वाली है एंड आप जब शैम्पू करेंगे आप इजिली उन कलर्स को निकाल पाएंगे इफ आपने ऑयलिंग की रखी हो तो। रंग खेलने के बाद जो हमारे नेल्स लाल पीले हो जाते हैं वो बहुत ही गंदे लगते हैं। सो अपने नेल्स को एक डार्क कलर से नेल पेंट कर लीजिए सो दैट आप जो भी रंग खेलेंगे वो आपके नेल पेंट के ऊपर ही रह जाएगा या नेल्स तक नहीं जाएगा। अब हम अपने नेल क्यूटिकल्स को कैसे बचाएं? नेल्स को तो हम पेंट कर लेंगे बट नेल क्यूटिकल्स के अगल बगल जो वो कलर्स लग जाते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए आप कोकोनट ऑयल या वैसलिन से अच्छे से मसाज करें। डू नॉट एक्सफोलिएट, बिल्कुल भी एक्सफोलिएशन नहीं करना है। अभी अभी आप रंग खेल के आए हैं आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड हो रखी है सो अगर आप एक्सफोलिएट करने जाएंगे आपकी स्किन और भी ज्यादा इरिटेट हो जाएगी एंड जो कलर्स हैं वो आपकी स्किन में और भी डीपली पेनिट्रेट हो जाएंगे इंस्टेड निकलने के। सो होली खेलने के तुरंत बाद डू नॉट एक्सफोलिएट, एक माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को धो लीजिए एंड दो तीन बार ऑयल से मसाज कीजिए, वो कलर्स धीरे धीरे खुद ही एक दो वॉश के बाद चले जाएंगे। होली के बाद बालों का डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है, उस डैमेज से हम अपने बालों को कैसे बचाएं? आप एक अच्छा सा मास्क बना के अपने बालों पे लगा सकते हैं। दही और बनाना का मास्क विल गो वेल। मिक्सर ग्राइंडर में दो केले डाल के और एक कप दही डाल के अच्छे से ग्राइंड कर ले एंड उसे अपने बालों पे 40-45 मिनट्स के लिए छोड़ दे। उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश दे। मैं आपको सनस्क्रीन लगाने को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी बिकॉज आप जब कलर्स एंड पानी से खेलेंगे वो सनस्क्रीन ऑटोमेटिकली धुल जाएगा। सो इट्स बेटर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल पे ही स्टिक करें एंड अच्छे से कोकोनट ऑयल लगा के होली खेलने जाएं। होली खेलते टाइम ट्रांसपेरेंट कपड़ों को अवॉइड कीजिए बिकॉज जब पानी आपके ऊपर जाएगी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा एंड काफी एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ेगा। सो ऑलवेज वियर अ सॉलिड क्लोथ एंड अगर आप ट्रांसपेरेंट पहन रहे हैं तो उसके अंदर एक स्लिप जरूर पहनिएगा सो दैट एम्बैरेसमेंट से बच पाए। होली खेलते टाइम ऑलवेज मेक श्योर आप एक अच्छे क्वालिटी का कलर यूज कर रहे हो। इफ कलर अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट होगी एंड इफ आपकी स्किन एक्ने प्रोन है एंड सेंसिटिव है देन इट्स गोइंग टू बी वर्स। सो ऑलवेज मेक श्योर टू यूज गुड क्वालिटी कलर्स। बस मेरे हैक्स एंड टिप्स होते हैं यहाँ पे खत्म। आप अच्छे से होली खेलिएगा। किसी ने बोला कि रंग मत खेलो उनमें केमिकल्स होते हैं देन डू आस्क देम टू थ्रो देयर मेकअप प्रोडक्ट्स फर्स्ट बिकॉज उनमें ज्यादा केमिकल्स होते हैं। होली इज जस्ट वन डे फेस्टिवल एंड एंजॉय दैट डे टू द फुलेस्ट। अच्छे से खाइए पीजिए होली खेलिए अपने स्किन एंड हेयर का ध्यान रखिए एंड खूब एंजॉय कीजिए। एंड इफ आपको मेरे हैक्स एंड टिप्स अच्छे लगे हो देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।